अभियान चल रहा था उसका पांचवा फेज आज समाप्त हुआ है। जनवरी माह में करीब 45 फोन हम लोगों ने बरामद किए हैं। एसपी साहब मेरा भी मोबाइल छीन लिया था, एसपी साहब मेरा भी मोबाइल गुम हो चुका था, यह कहना है मोबाइल धारकों को एसपी साहब के समक्ष। जिनका मोबाइल विगत दिनों गुम हो गया था तो किसी का मोबाइल चोरों ने लूट लिया था, छीन लिया था। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में मोबाइल बरामद अभियान का पांचवा चरण पूरा हो चुका है। पांचवें चरण के अंतिम दिन 45 मोबाइल धारकों को मोबाइल सुपुर्द किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि अब नए चरण में चोरी की मोबाइल के अलावा लूट की मोबाइल या अन्य कांडों में छिनतई के मोबाइल को भी बरामद किया जाएगा। पहले केवल गुम हुई मोबाइल को ही बरामद किया जाता था। 45 लोगों ने अपने मोबाइल पाकर काफ़ी ही प्रसन्न नजर आए। आपके द्वारा वितरण किया गया है क्या? हम लोगों का जो मोबाइल बरामदगी का अभियान चल रहा था उसका पांचवा फेज आज समाप्त हुआ है। जनवरी माह में करीब 45 फोन हम लोगों ने बरामद किए हैं और इस बार हम लोगों ने अलग अलग टीम बना दी है, क्योंकि जो कांड भी दर्ज होते हैं उन कांडों में भी जो मोबाइल छीने भी जाते हैं, पहले हम लोग सिर्फ स्टेशन डायरी वाला बरामद कर रहे थे, अब हम लोग छीनने और लूटने वाला मोबाइल भी बरामद कर रहे हैं। उसकी तीन टीम हम लोगों ने बनाई हुई, तो एक टीम का यही कार्य है कि जो भी मोबाइल छीने गए हैं या लूटे गए हैं उनके आधार पर अपराधी भी गिरफ्तार हों, साथ में मोबाइल भी बरामद हों। तो इस बार दोनों काम हुआ है, स्टेशन डायरी वाला भी हुआ है और कांडों वाला भी हुआ है। करीब करीब 45 मोबाइल बरामद किए गए हैं और सारे धारकों को सत्यापन के पश्चात आज यहाँ पर ASP सदर हम लोगों ने उसको सभी धारकों को दे दिया है फ़ोन। ये अभियान लगातार जारी रहेगा। हम लोगों का छठवां फेज कल से चालू होगा और 28 फरवरी को फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक मोबाइल बरामद करके दिए जाएंगे। सर, जो टीम आपके द्वारा बनाई गया है इसमें किन अधिकारियों को शामिल किया गया है? हम लोगों ने इसमें तीन टीम बनाई है। इसमें एक धोबाव ओपी प्रभारी हैं और गजराजगंज प्रभारी हैं और टाउन थाना से एक सब इंस्पेक्टर हैं। साथ ही जो हमारे नए प्रोबेशनर्स हैं उन लोगों को हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं टेक्निकल काम करने की। हमारी प्रोबेशनर्स की टीम इसमें बनाई गई है। सारे नए सब इंस्पेक्टर्स हैं हमारे प्रोबेशनर्स, वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और सीख रहे हैं कि कैसे मोबाइल बरामद किया जाए और बेहतर पुलिसिंग करते हुए पब्लिक के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं।